वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और शिमला मिर्च की आसान सी रेसिपी। इसको बनाने के लिए प्याज, एक टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, उबले हुए आलू और कुछ शिमला मिर्च ली हैं। शिमला मिर्च को आधे घंटे तक पानी में डाल के रखना है और उसके बाद अच्छे से धो लेना है। अब हम शिमला मिर्च की जो ये डंडी है इसको निकाल देंगे और शिमला मिर्च को अंदर से खाली कर लेंगे, अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे। इसके अंदर जो बीज वगैरह है सबको निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से खाली कर लेना है। अब मैं एक और आपको खाली करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से डंठल को बाहर निकाल देंगे और अंदर से शिमला मिर्च को खाली कर लेंगे। और मैंने सभी शिमला मिर्च को अंदर से खाली कर लिया है। अब हम इनको 3-4 मिनट के लिए बॉइल्ड कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक पतीले में पानी लिया है और आधा चम्मच नमक का डाल दिया है। बॉइल्ड इसलिए कर रहे हैं जिससे शिमला मिर्च हल्की सी नरम हो जाए और नमक अंदर तक चला जाए। इसे सभी शिमला मिर्च को पतीले में डाल देंगे और अच्छे से अंदर तक डुबो देंगे। मैंने पहले भी भरवां शिमला मिर्च को कुकर में बनाकर वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर आप उस तरह से बनाना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2-3 मिनट बॉइल्ड करने के बाद छलनी की मदद से निकाल लेना है और सभी शिमला मिर्च को उल्टा करके रख देंगे। खुले मुंह वाली साइड को नीचे वाली साइड करके रख देंगे इस तरह से, जिसे सारा पानी निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को धुआं निकलने तक गर्म होने के बाद एक चम्मच जीरा डालेंगे और आधा चम्मच हींग डाल देंगे। और जीरा तड़कने के बाद चॉप किया हुआ बड़े साइज का प्याज डालेंगे और साथ में कट की हुई 5-6 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च, इनको भी डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। कई बार सब्जी बनाने का मन नहीं होता तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यह बहुत ही टेस्टी होती है। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद टमाटर को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे फ्लेवर मसाले, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच देगी मिर्च, इसको कलर देने के लिए डालते हैं, इसमें तीखापन नहीं होता है। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सभी मसालों को ढक्कन ढक के स्लो फ्लेम पे 3-4 मिनट पकाएंगे। और ये देखिए, 3-4 मिनट पकने के बाद साइड से तेल निकल आया है और सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। और अब हम डालेंगे मैश किए हुए उबले हुए आलू। और अब हम आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें 2-3 मिनट मसालों के साथ आलू को पकाना है जिससे सभी मसालों का टेस्ट आलू के अंदर चला जाए। सभी आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू के जितने भी मोटे मोटे पीस दिखाई दे रहे हैं उन सबको मैश कर लेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। यहाँ पर आलू के हिसाब से नमक कम है, आप यहाँ पर आलू को चख के भी डाल सकते हैं नमक को, अगर आपको नमक कम लगे तो। और ये देखिए, आलू का जो मिश्रण है वो कढ़ाई में अपने आप घूम रहा है। और इस तरह से जब आलू का मिश्रण कढ़ाई पर ना चिपके तो समझो स्टफिंग बनकर तैयार है। प्लेट में निकालने के बाद आलू ठंडे हो गए हैं। अब हम शिमला मिर्च के अंदर भर लेंगे। एक छोटे साइज की चम्मच लेंगे और उससे धीरे धीरे आराम से भरते जाएंगे शिमला मिर्च को। आप यहाँ पर हाथ से भी भर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पोषण उठाएंगे और शिमला मिर्च के अंदर डालते जाएंगे। अच्छी तरह से भर देना है शिमला मिर्च को। इस तरह से आप
जरूर बनाएं। भरवां शिमला मिर्च यह सबको पसंद आएगी, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। और इस तरह से शिमला मिर्च को भर देना है। अब एक शिमला मिर्च और भर के दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसी तरह से दूसरी शिमला मिर्च को भी भर देंगे। और जो बाकी की शिमला मिर्च बची हुई है उनको भी इसी तरह से भर लेना है आराम आराम से। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी शिमला मिर्च को भर लिया है। ये गिनती में देखिए तो 5 शिमला मिर्च हैं। और अब हम इनको तल, एक फ्लैट तली वाली कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसके चारों तरफ घुमा देंगे। और जो शिमला मिर्च भर के रखी है उनको रख देंगे। स्टफिंग तो वैसे भी पकी हुई है और जो शिमला मिर्च है इनको भी हमने थोड़ा सा नरम कर लिया था गर्म पानी में। अब हल्का हल्का तलेंगे। ये देखिए इस तरह से साथ के साथ पलटते रहना है और चारों तरफ से पका लेना है। यह 4-5 मिनट में ही पककर तैयार हो जाएंगी। इन्हें छोड़ना नहीं है, साथ के साथ पलटते रहना है। और ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा कलर हो गया है। और ये देखिए जो चटपटी भरवां शिमला मिर्च है बनकर तैयार है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, आप कढ़ाई में भी रख सकते हो। और प्लेट में निकालने के बाद मैं यहाँ पर एक तड़का लगाऊंगी। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तड़का लगाना चाहें लगाएं, नहीं तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगेंगी। और यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया है और सूखी 2 लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया है और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। इनको अच्छे से पकने के बाद शिमला मिर्च के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। यह दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा शिमला मिर्च का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।